खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूँ इंडिया और आप देख रहे हैं आई। शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। नालंदा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा जिले में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार भवन बिघा ओपी के कादी बिगाहा गांव में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक अभय महतो का पुत्र 17 वर्षीय अभिषेक कृष्ण कुमार है। वह कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। लॉकडाउन में कोचिंग बंद होने की वजह से वह गाँव आ गया था। बेतिया SSP के खाते से हजारों रुपए गायब, थाने में मामला दर्ज। बेतिया SSP शिव कुमार राव के एक्सिस बैंक के बचत खाते से 29,477 रुपए अचानक गायब हो गए। इस मामले में नगर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार भास्कर ने बताया कि SSP की शिकायत पर FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही इसका पता लगा लिया जाएगा। खेत में पटवन कर रहे किसान पर धारदार हथियार से किया गया हमला, इलाज के लिए पटना रेफर। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के धरहा गांव में पूर्व के विवाद को लेकर खेत पटवन कर रहे किसान को बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया है। जख्मी किसान सहदेव यादव का पुत्र मनोज यादव है। जख्मी किसान को गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, डर के मारे लाश छोड़कर भागे परिजन। बिहार में कोरोना का संक्रमण कई जिले में अब तेजी से फैलने लगा है। सरकार की ओर से गुरुवार को कोरोना को लेकर कई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लोगों ने कोरोना का खौफ भी अब फिर से बढ़ने लगा है। ताजा मामला जमुई जिले का है, जहाँ एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद उसके परिजन सब छोड़कर भाग निकले। DSP के ऊपर कार्रवाई, काम में लापरवाही को लेकर सरकार ने लिया एक्शन। बिहार में एक DSP के ऊपर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है। गृह विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। रोलसा DSP को नवादा के तत्कालीन अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी हरसियार अख्तर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है। फिर मिले कोरोना के 698 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,38,040। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 698 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़कर 23,38,040 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,204 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। विधायक ने अपनी जान का लालू परिवार से खतरा बताया, विधानसभा में लगाई सुरक्षा की गुहार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का फोन कॉल आने के बाद बीजेपी विधायक ललन पासवान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने आज विधानसभा में यह कहते हुए सनसनी फैला दी, उनकी जान को खतरा है। यहां ललन पासवान ने कहा कि उन्होंने जिस तरह लालू यादव का फोन आने के बाद सभी बातें सार्वजनिक कर दी, उसके बाद उनकी जान और उनके परिवार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। सदन में नीतीश का रौद्र रूप, आग बबूला हुए सीएम नीतीश, कहा तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, विस में भारी बवाल। तेजस्वी यादव के आरोप से बौखलाए नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा कि अब तक हम चुप थे, पर अब नहीं, यह हमारे बेटे समान है, इसके बाप हमारे उम्र के हैं, ये बकवास कर रहा है, तुमको डिप्टी सीएम किसने बनवाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। बिहार में बदलते मौसम का दौर, पछुआ हवा बढ़ाएगी ठंड, सुबह में कोहरा भी करेगा परेशान। के अंदर मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले एक से दो दिन में न्यूनतम तापमान
तेजी से नीचे आएगा। पछुआ हवाओं ने बिहार का रुख कर लिया है, लिहाजा अब कनकनी पड़ने वाली है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया फर्जी, कहा चोर दरवाजे से सरकार बने, बीच में भारी हंगामा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पहले सीएम नीतीश पर निजी हमले बोले, इसके बाद कहा कि जब डबल इंजन की सरकार है तो फिर क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने विधायकों से हाथ उठाने को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371 1787 7325052437।